अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद राहिल हुसैन रिज़वी और आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम डिस्कशन करेंगे, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए और पूछा था कि हड़ताल क्या होती है, हड़ताल में होता क्या कुछ है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कल क्या लाहे अमल होगा कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस बात पर कामयाबी हासिल कर चुकी है कि कल पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल होगी। ताजरों ने कितना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है और हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिन्होंने पब्लिक सर्वे में हमारे साथ बहुत ज़्यादा साथ दिया और इनसे गुफ्तगू करते हैं और सारी बातें जो हैं इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप रही? अल्हम्दुलिल्लाह, गरम अल्लाह बाक, आप बताएं ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए थे कि हड़ताल क्या होती है, उसमें ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई जाती हैं, शटर डाउन करवाए जाते हैं या फिर वो लोग खुद ब खुद करते हैं, इसके मतलब ज़रा वजाहत कर दें। नहीं, मैं आपको बताता चलो, हड़ताल जो है ना वो ज़बरदस्ती तो इसे नहीं कहा कि आप देख रहे हैं कि किस कदर महंगाई है, हर बंदा चाहता है महंगाई कम हो। तो हमने आवाम से जब पूछा कि यार ये आप तहरीक लब्बैक का साथ देंगे या नहीं 27 फरवरी को, बहुत सी आवाम ने यही कहा कि हम उनके साथ हैं, महंगाई के लिए हम उनके साथ हैं, हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं, हर बंदे ने ये कहा हमें। तो दूसरी बात ये देखी जा रही है कि हड़ताल जो है ये हड़ताल कहा जाता है, यानी कि दुकानें बंद, बाकी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है सारी चीज़ें बंद होंगी और इसमें शायद ये भी आपको दौलत ना मिल सके कि खाने पीने वाली चीज़ें भी शायद ना मिल सके, क्योंकि मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था उसमें यही था कि आज जो आपने खाने पीने का इंतज़ाम जो लेना है वो आप राशन वगैरह रख लें क्योंकि कल से हड़ताल शुरू है, तो इस वजह से दुकानें बंद होंगी, सिवाय मेडिकल स्टोर वगैरह ये खुले होंगे, इसके अलावा जो भी दुकान होगी वो बंद होगी। तो हड़ताल यही है कि इससे थोड़ा सा जो अब हड़ताल तहरीक लब्बैक की जानिब से जो हड़ताल का कहा जा रहा है, तो इसमें अब इसमें ये भी देखा जा रहा है कि हड़ताल जो है वो दुकानें बंद होंगी, मार्केटें बंद होंगी और दूसरी जानिब ये भी देखा जा रहा है कि क्या तहरीक लब्बैक बाहर निकलेगी जो हड़ताल खुद करवाएगी, जाके दुकानें बंद करवाएंगी जिन्होंने खोली होंगी। अब इसमें ये भी देखा जा रहा है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते प्रॉपरली कि इस तरह भी होगा, ये भी हो सकता है कि रैली की शक्ल में बाहर निकलें। ठीक हो गया माशाल्लाह। और अब ये बताएं कि ताजर बरादरी ने जो आपने विज़िट किया है, मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था उधर भी ताजर बरादरी का हम देख रहे थे कि वो ताजरों को मना कर रहे हैं, पुलिस वाले CCPO लाहौर हैं या दूसरे मुक्तदर इदारे हैं, उनको कहीं से कॉल्स आई हैं और उन्होंने बंद कर दिया है कि आपने जो है इस तहरीक लब्बैक का साथ नहीं देना, ताजरों को ये कहा जा रहा है। तो आप अपना सर्वे जो किया, ताजरों ने आपको क्या कुछ कहा कि वो साथ देने के लिए तैयार हैं या नहीं? जब हमने बातचीत की तो ताजरों का यही कहना था कि हम मार्केटें बंद करने के लिए तैयार हैं, हम तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो मार्केटों के सदर थे वो नहीं चाह रहे थे, वो अपनी हुकूमतें देख रहे थे, अपने जो उनके MNA MPA उन्हें देख रहे थे, तल्लुक है ना उनके साथ, तो इस वजह से वो देख रहे थे कि हम मार्केटें नहीं बंद करेंगे। जब हमने ताजरों से पूछा, ताजरों का यही कहना है कि हम मार्केटें बंद करेंगे, हम इस महंगाई के खिलाफ खड़े हैं और ये इंशाल्लाह ये मार्केट बंद होगी और ये एक बड़ी एक पावरफुल जो है ना शटर डाउन हड़ताल होगी। क्या कहते हैं आपके, हड़ताल कामयाब होगी या नहीं? मेरे ख्याल से इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक ने जो भी काम किया वो कामयाब हुआ है, इंशाल्लाह इन्होंने अगर इस तरफ कदम उठाया ना तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। और दूसरी बात, ये तहरीक लब्बैक वाले पुरअमन शटर डाउन हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया है, अगर इसमें एजेंसियों के बंदे मुलव्वस हों वो तोड़ फोड़ करें या दुकानें बंद करवाने के चक्कर में या खुलवाने के चक्कर ज़ाती नुकसान पहुँचाएँ तो ये तहरीक लब्बैक के कारकुन नहीं है, क्योंकि मरकज़ की तरफ से भी ये ऐलान हो चुका है कि तहरीक लब्बैक वाले इंशाल्लाह पुरअमन डाउन हड़ताल करेंगे और ये पुरअमन ही हो रही है, अगर ऐसा कोई करता है तो फिर उसे पकड़ के मरकज में इंशाल्लाह लाया जाएगा और इसके हवाले करेंगे मरकज वाले, ये मरकज की तरफ से। तो शाह साहब, कोई ऐसा मामला है कि जिस तरह से साद भाई कोई ऐसा बड़ा स्टेप लेने लगते हैं और धमकी भी साद भाई ने बहुत बड़ी दी है कि असी तानू दस देंगे जो जिस बात की वजह से हम पहचाने जाते हैं हम वही करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि ये गिरफ्तारी का मामला क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे हकूमती जो इदारे हैं वो क्या इस तरफ आते हैं कि साद रिज़वी को चाह रहे हों कि हम अरेस्ट कर लें या उनको जो है गिरफ्तार कर लें, ऐसा कोई अमल? अभी ये बात कोई भी बात नहीं है कि अल्लाह साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी मसला जो है ना वो सामने नहीं आया, क्योंकि अल्लामा साहब ने अवाम के लिए ये कदम उठाया, अवाम उनके साथ खड़ी है, तो क्यों आखिर
अपने मफाद के लिए ये किया है या अपनी जमात के लिए किया है, पूरी ये उम्मत मुस्लिमा के लिए, पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए उन्होंने। अगर अगर ये पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी आवाम को आप लास्ट पर, बस हम लोग ख़त्म करते हैं, तो पाकिस्तानी आवाम को आप लास्ट पर कोई पैगाम दे दें कि अभी तो ये लोग अपने आप को जगा लें, कि क्या पैगाम है इनको दें। जरा कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी ना आपने अपने ईमान को जगाया, फिर तो ये हमारे ऊपर और इस तरह की महंगाई करेंगे कि गरीब बंदा जो है ना वो जी नहीं सकता, वो मेरे ख्याल से वो जीता जी मर जाएगा बेचारा, कि किस कदर महंगाई हो चुकी है। मैं अपने लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अभी उठ जाएं, क्योंकि तहरीक लब्बैक बहुत बड़ा कदम उठाया, तहरीक लब्बैक ने उन्होंने अपनी, यहाँ तक भी देखा जा रहा है कि अपनी जमात को भी दाव पे लगा दिया। लोगों का यही कहना है कि ये मौलवी हैं ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, अपने को मिली हैं। तो मैं उन्हें यही पैगाम देता हूँ कि आज खड़े हो जाएं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप खुद दुआएँ देंगे कि तहरीक लब्बैक ने ये सही कदम उठाया। इसी के साथ हमें आप इजाज़त दें, माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें उन्होंने भी की। उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें सब इस शटर डाउन हड़ताल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर इलामा हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी का दस्ते बाजू बनेंगे। ज़रूर वो हाफिज साद हुसैन रिजवी की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और कल का सारा दिन जो है हड़ताल में भरपूर शिरकत करेंगे कि वो अपना जो भी कारोबार है उसको बंद रखेंगे। और साद हुसैन रिजवी के कहने पर, जिस तरह से उन्होंने फरमाया और उनके कहने पर, लब्बैक ही कहेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।